शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं इनटेक। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। पहला खबर है गूगल की तरफ से, और रिपोर्ट का ये दावा है कि गूगल अपना खुद का पिक्सल वॉच लॉन्च कर सकता है 2022 में, और ये डायरेक्टली एप्पल वॉच को कंपटीशन देगा। आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला खबर है आईक्यू के अपकमिंग स्मार्टफोन आईक्यू नियो 6 को लेके, और इस फ़ोन का स्पेसिफिकेशन गूगल प्ले कंसोल से लीक हुआ है। और अगर मैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊँ तो आपको इसमें FHD डिस्प्ले, 12 GB रैम, एंड्रॉयड 11 के साथ स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, और इस फ़ोन में आपको पंच होल सेल्फी कैमरा के साथ कर्व एजेस देखने को मिल सकता है। अगला खबर है मोटोरोला के अपकमिंग स्मार्टफोन Moto G 51 5G को लेके, और ये फ़ोन इंडिया में 10 दिसंबर को लॉन्च हो सकता है। अगर मैं आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊँ तो इस फ़ोन में आपको 6.8 इंच FHD डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh बैटरी टाइप सी के साथ देखने को मिल सकता है, और इस फ़ोन का प्राइस अराउंड 20,000 होगा। आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला खबर है ओप्पो के अपकमिंग टैबलेट को लेके, और ओप्पो पैड इंडिया में 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च हो सकता है, और इस टैबलेट का प्राइस ऑलमोस्ट 30,000 होगा। वैसे इसमें स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर भी हो सकता है। क्या आप ओप्पो पैड परचेज करोगे या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला खबर है रियलमी के अपकमिंग स्मार्टफोन रियलमी 9i को लेके, और इस फ़ोन के कुछ फ़ोटोज़ और स्पेसिफिकेशन लीक हुए हैं। अगर आप फोटो को अच्छे से देखते हो तो इस फ़ोन में आपको पंच होल कैमरा के साथ कर्व डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। और अगर मैं स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊँ तो इस फ़ोन में आपको 6.5 इंच का FHD डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 5000 mAh बैटरी, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, मीडियाटेक हीलियो G90 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। वैसे ये फ़ोटो का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये फ़ोटो रियलमी 9i का है या किसी और का फ़ोटो है। वैसे आने वाले दिनों में हमें और ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में पता चलेगा। वैसे आपको फ़ोटो देख के कैसा लग रहा है ये फ़ोन कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला खबर है सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A73 को लेके, और इसके भी फ़ोटोज़ और स्पेसिफिकेशन लीक हुए हैं। अगर मैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊँ तो इस फ़ोन में आपको 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर, 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, 5000 mAh बैटरी के साथ 33 वोट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको इस फ़ोन में, और इस फ़ोन का प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का होगा। और इस फ़ोन के अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो इस फ़ोन का प्राइस ऑलमोस्ट 32 या 33,000 के आसपास होगा। वैसे अगर आप मेरे इनटेक को फॉलो करते हो तो आपको ये पता होगा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले ही न्यूज़ दिया था कि सैमसंग 108 मेगापिक्सल वाला फ़ोन 2023 में लॉन्च कर सकता है। लेकिन अगर सैमसंग गैलेक्सी A73 के जो स्पेसिफिकेशन अभी बाहर आ रहे हैं ये अगर एक्यूरेट निकलता है तो हमें सैमसंग की तरफ से 108 मेगापिक्सल वाला फ़ोन 2022 को ही देखने को मिलेगा। आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला खबर है नेटफ्लिक्स को लेके, और नेटफ्लिक्स ने एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए 3 और नए गेम्स लॉन्च कर दिए हैं। और अगर आपको नेटफ्लिक्स के इन गेम्स को खेलना है तो आप नेटफ्लिक्स के ऐप्स के थ्रू इस गेम को खेल सकते हो बिना एक्स्ट्रा पैसा पे किए नेटफ्लिक्स को। और टोटल अभी तक नेटफ्लिक्स ने 10 गेम एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए लॉन्च कर दिए हैं। वैसे आपने क्या नेटफ्लिक्स में गेम्स खेले हैं या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला खबर है PS5 को लेके, और PS5 का प्री ऑर्डर स्टार्ट होगा 6 दिसंबर से 12 बजे। तो अगर आपको अपना किस्मत आजमाना है तो आप 6 दिसंबर को ट्राई कर सकते हो। वैसे आपको क्या लगता है ये रियलिटी में इतना शॉर्टेज है PS5 का, या कंपनी जानबूझ के इनका शॉर्टेज कर रहा है ताकि दाम बढ़ सके मार्केट में? आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला खबर है फिर से ओप्पो को लेके, और ओप्पो के इनो डे 2021 के डेट्स निकल गए हैं, और ये स्टार्ट होगा 14 दिसंबर से और एंड होगा 15 दिसंबर में। बेसिकली इस प्रोग्राम में ओप्पो अपना जो फ्यूचर के जो डिवाइसेस है उनको डेमोन्स्ट्रेट करता है कैसे और कौन से टेक्नोलॉजी से वो फ्यूचर में डिवाइसेस बनाएंगे। और इस प्रोग्राम से भी वही उम्मीद है कि ओप्पो अपने जो कॉन्सेप्ट डिवाइसेस है उनको डेमोन्स्ट्रेट करेगा, और हमें ये पता चलेगा कि फ्यूचर में ओप्पो किस तरह के फ़ोन्स या डिवाइसेस लॉन्च करेंगे। आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या आपने कभी ये जो प्रोग्राम होता है किसी भी कंपनी का आपने कभी वर्चुअली अटेंड किया है या नहीं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।
अगला खबर है आधार कार्ड को लेके, और रिपोर्ट का ये दावा है कि यूआईडीएआई अभी काम कर रहा है वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन के साथ, ताकि जो दूसरे कंट्रीज है उनको भी आधार कार्ड का टेक्नोलॉजी दिया जाए और वहाँ के लोगों को भी डिजिटल आइडेंटिटी मिले। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर में एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाओ जाके देखो और समझो किस तरह से इंडिया का टेक्नोलॉजी आप पूरा दुनिया रिकॉग्नाइज कर रहा है और किस तरह से हम टेक्नोलॉजी में लीड करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।